वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे तो अभी सुबह का साढ़े आठ हो रहा है और आज सुबह से हम बस काम पे लगे हुए कल जब हम आए तो पूरा रूम एकदम साफ सुथरा था और भाई आया था छोड़ने के लिए भाई और मम्मी दोनों लोग तो हमको तो छोड़ के गए और जिया को लेके चले क्योंकि गए क्योंकि जिया की छुट्टी हो गई थी जिया कहीं नहीं गई थी तो लेके चले गए ठीक है अभी सुबह सुबह वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं जब हम वहां से आ रहे थे ना तो हम एकदम इतमिनान थे क्योंकि जिस दिन हम गए थे ना तो उसी दिन वॉशिंग मशीन निकाले थे और सारा चुन चुन के कपड़ा धो चुके थे चादर भी धो चुके थे क्योंकि चादर चेंज किए थे उसी दिन तो सब कुछ धो चुके थे अब जिया और ये रहे और घर में कुछ ना कुछ काम ऐसा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता वैसे पूरा घर जिया संभाली थी झाड़ू पोछा से लेके चादर चेंज करने से इफ्तार बनाने से और सहरी करने से सब ये लोग अपने से मैनेज कर रहे थे लेकिन बस एक ये गलती हो गया वॉशिंग मशीन में ना उस दिन क्या हुआ हम जब सब धोए थे तो चादर ही लास्ट में था जो कि चादर धूल तो गई थी लेकिन बस ना उसको खंगाल के डालना था तो ऊपर तार पे ना जगह ही नहीं थी तो हम सोचे कि इसको शाम को जब वो उतारेंगे तो इसको डाल देंगे ऐसा सोचे थे और उसके बाद हम अचानक में निकल गए और कुछ गलती मेरी भी थी कि हम इन लोगों ना बताए भी नहीं थे कि ऐसा ऐसा वॉशिंग मशीन में करके आए हैं और ये लोग क्या किए जो जो उतार उतार के फिर चादर चेंज करी सोफा का कवर चेंज करी सब उठा उठा के ना वॉशिंग मशीन में डालती गई और उसकी पानी तो ऑलरेडी था ही तो उसकी वजह से ना सारा भीग चुका था और इतनी ज्यादा स्मेल कर रही थी आज सुबह हमको ना पता नहीं क्या हुआ था हम देखे तो जब देखे तो ऐसा ऐसा हुआ था तो सुबह से धोना धाना स्टार्ट कर चुके थे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी तो हम सोचे तो एक बार फिर से सारा धो धो के और डाल देते हैं तो ये कर रहे थे ठीक है बाकी खालू की तबियत की बात करें तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता तबियत उतनी ठीक लाइट चली गई जी तो लाइट चली गई थी तो खालू की तबियत का अगर बोलें तो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं और अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ऑपरेशन भी अभी नहीं कर रहा है डॉक्टर क्योंकि बोल रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है बस अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि खालू जल्दी से ठीक हो के और घर आ जाए फिलहाल मिल चुके हैं और जाने आने में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा कल से आए थे कल भी कोई वीडियो नहीं बन रहा है कल हम सोचे एक दिन हम आराम कर लेते हैं अपने घर का ना बात ही कुछ और रहता है तो कल सारा दिन हम सोए उसके बाद हम लोग इफ्तार में भी कुछ नहीं बनाए थे ये बाहर से लेकर चले आए थे तो वो खाए क्योंकि बच्चे भी नहीं है तो हम ही लोग थे तो इसीलिए तो ये है तो सुबह का चलिए स्टार्ट करते पूरा घर ना कल फैला हुआ था क्या क्या सामान लेकर आए हैं कौन क्या दिया क्योंकि गए तो ऐसे उसमें थे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है बनारस वाली जो खाला है उनके यहाँ भी गए थे अब उनके यहाँ जाइए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाँ कुछ ना मिले लेकिन खाला जो सूट उट दी है ना तो वो अभी आप लोगों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि खाला आने वाली है तो खाला ही लेकर आने वाली थी लेकिन हम लोग कार से गए थे तो खाला बोली कि लेती जाओ और जब हम आएंगे ना तब तब तुमको ऐसे बता देंगे तुम ले जाओ सिलवा के पहनना लेकिन हम बोले कि नहीं जब आप आएंगी ना तो अपने हाथ से दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिलहाल अभी आप लोग को दिखाएंगे नहीं कि खाला क्या दी है लेकिन मम्मी मेरे लिए ईद का रखी थी क्योंकि अभी मम्मी इलाहाबाद गई थी ना आप लोग को पता ही है कि जीशु के साथ गई थी तो वहाँ से मेरे लिए ईद का लेकर आई जिया के लिए लेकर आई और कुछ हम लोग जब ढाबे पे खाना खा रहे थे ना तो ढाबे के बगल में ही जैसे हर माल वाला वो बेच रहा था तो उससे भी खाला हमको कुछ दिलाई तो चलिए दिखा लेते हैं पूरा रूम का हाल अभी खराब है हम लोग के यहाँ ठंडी फिर से ज्यादा हो गई है तो कल रात में ना ब्लैंकेट निकाले थे ठीक है पूरी बात है ना हड़बड़ हड़बड़ बताना पड़ रहा है नहीं तो फिर क्या होगा आप लोग बोर हो जाएंगे लेकिन इतनी सारी बातें हैं बताने के लिए ना कि क्या करें वक्त कम पड़ जाता है तो चलिए दिखाते हैं पहले तो दिखाए कि अभी हम सुबह सुबह सब छत से ना चिप्स उप लेकर आ चुके हैं ये लोग वही ऊपर सीढ़ी के ही पास ही रख दिए थे तो चिप्स सब कुछ सूख चुका है और सुबह से क्या क्या काम किए हैं और इधर देखिए हॉल का हाल तो जैसा हम बता रहे थे ना कि उस दिन गए थे तो वॉशिंग मशीन निकाल के गए थे तो सब सूखा हुआ है और ये लोग उतार के ना सीढ़ी के पास ही रख दिए थे और इसमें जो भाई हमको ना दिया है ना फ्लावर पॉट है फ्लावर है और ये है फ्लावर स्टैंड अभी हम आप लोग को पूरा कंप्लीट दिखा देते हैं फिलहाल अभी यही हाल अभी तो पूरा रूम अभी ठीक किए नहीं तो बेड के ऊपर ही ना सारा सामान अभी फैला था तो जल्दी से आप लोगों को दिखा दे फिर उसके बाद ना उसके बाद ये सब सामान रख देंगे और अभी ईद का जब करेंगे ना तब उसमें लगाएंगे अभी से नहीं लगाएंगे अभी जिया भी नहीं है जिया भी आएगी ना तो हम लोग सब लोग एक साथ फिर लगाएंगे फिलहाल ये ये मम्मी दी है गोभी लहसुन गाजर ये सब जो मिर्च वाला जो मिक्स वाला जो अचार है ना मम्मी वो डाली थी तो वो एक बॉटल में वो लेकर आए हैं और ये अलावा से ना मम्मी पहले यहाँ लगा देते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं तो चलिए दिखाते हैं तो ये वाला जो डब्बा है ना ये खाला हमको दिलाई थी जब हम लोग ढाबे में खाना खा रहे थे तो बगल में ही स्टोर था तो खाला भी लिया अपने लिए और हमको भी खाला ही दिलाई थी तो इसमें स्पून इस है और काफ़ी अच्छा मजबूत डब्बा है इसमें दो सौ चालीस रुपये लिखा है लेकिन खा लूँ ना मोल भाव करा के डेढ़ सौ रुपये में और काफ़ी अच्छा मुझे लगा साथ साथ में खाला मेहंदी थी पहले तो उनको एक ही दे रही थी वो तो बाद जिद करके उनसे दो कौन लिए ये जो कौन है ना बता रही थी कि काफ़ी अच्छा और बहुत कम मिलता है तो उनसे लड़ के एक कोण और लिए क्योंकि एक कोन से तो कुछ होने वाला है नहीं और खाला से मेरा ऐसे ही होता रहता है हक से लड़ लड़ के सामान ले लेते हैं तो यहाँ पे चूड़ा है और चाय की पत्ती है जो कि मम्मी काफी दिन से रखी हुई थी कि हाँ हम हाँ आएंगे तो हमको चाय पत्ती देंगी यहाँ पे दो सूट है ये मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी इलाहाबाद से और साथ में चूड़ी भी है और ये हैंकी भी दो लेकर आई थी ये दो सूट है मम्मी बोली कि एक जिया सिलवा लेगी और एक मेरा है तो जो जिया सिलवाना होगा जिया सिलवा लेगी और जो मुझे चाहिए होगा वो हो जाएगा नहीं होगा तो दोनों ही हम सिलवा लेंगे जिया के लिए कुछ और देख लेंगे और ये है कुर्ता पजामा जो कि इनके लिए है तो ये है मेरी ईदी जो कि घर से मिली है और जो फ्लावर पॉट है वो भी दिखा देते हैं और एक चीज तो भूल गए खाला ना हमें चूड़ी भी दिलाई है सूट के ऊपर का जैसे कि मैचिंग करा के लेकिन सूट तो हम रख दिए और चूड़ी यहीं पे रह गई तो हम चला चूड़ी आप लोग को दिखा देते हैं और ऐसे ही सेम टू सेम जैसे चूड़ी ना आरजू के लिए हम लेकर आए हैं दो है यहाँ पे कड़ा तो ये आरजू के लिए लेकर आए तो आरजू यानी कि मेरी जो छोटी वाली देवरानी है ना ये उसके लिए लेकर आए हैं रीज़न ये है कि जिया को वो उर्दू पढ़ाती है तो किताब ख़त्म की थी तो हम क्योंकि पैसा वैसा नहीं लेती है अब घर में क्या पैसा तो उसको नहीं अच्छा लगता तो वो बोली थी कि आपको जो समझ में आएगा मेरे लिए गिफ्ट लेते आइएगा तो मुझे चूड़ी से ज़्यादा कुछ और समझ में नहीं आया अभी ईद भी आ रहा है और खाला मेरे लिए ले रही थी ना तो हमें अच्छा लग रहा था तो हम भी उसके लिए ले लिए हैं तो फिलहाल ये है तो चलिए अब सामान मान उठा के पूरा रख देते हैं और साथ ही साथ में ना मंगाए हैं कुकर कुकर मंगा लिए हैं आप लोगों से कई दिन से कह रहे थे ना कि कुकर चाहिए कुकर चाहिए तो बहुत चीज सोच सोच के कुकर मंगाए हैं आप लोगों को दिखाएंगे कि किस ब्रांड का है और क्या चीज इसमें अच्छा है आजकल के समय के हिसाब से लिए हैं बाकी अच्छा बुरा वो आप लोग बताइएगा कि सही फैसला था या नहीं था तो ये है <laughs> बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो चलिए ये सब पहले हटाते हैं सब सामान रख देते हैं मेरा मन था कि जल्दी से करके ना खाली करें घर जितना हो सकेगा हटा उठा के उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से तो इस बार ईदी में ये भी आया है फ्लावर है फ्लावर पॉट है और स्टैंड है और बहुत सारा चीज़ है और ये सब चीज़ें लिए ना हम बहुत दिन से बोल रहे थे अपने ब्लॉग में कि मुझे ऐसा चाहिए मुझे ऐसा चाहिए तो बस भाई को पता चला उसके बाद ना ये सारा मेरा भाई ही दिया है मुझे खरीद के इसमें से हम एक भी ना पत्ती तक नहीं खरीदे और जब हम लोग वहाँ से लखनऊ से आ रहे थे ना तो हम बात कर रहे थे कार में कि अगर थोड़ा सा टाइम होता तो हम कुछ ले लेते घर के लिए तो ऐसा सब बात हो रहा था तो बस उसके बाद ना रेणूकूट में ही भाई ला के दे दिया तो ये सब भी ना बहुत सारा सामान हो गया था मेरे पास तो इसीलिए भाई को छोड़ना पड़ा और ये वाला जो देख रहे हैं ना जो जो पॉट का जो सेट है ये भी सब एक साथ ही भाई लेकर आया है बहुत सारा और बोल रहा था कि ये भी ले लो वो भी ले लो लेकिन हाँ इतना ही मेरे लिए बहुत था तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और जब हम लोग इसको रूम में लगाएंगे ना उसके बाद देखते हैं पूरे बाल में ना तेल एकदम तेल तेल इतना तेल मम्मी लगा दी थी कि पूरे हाथ में लग रहा है क्योंकि जब आए ना तो थके थे तो सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था तो मम्मी सर में ना बकायदा एकदम बढ़िया से मसाज करी है तो अभी काम से निपटा ले उसके बाद पहले आप लोगों को दिखा दे उसके बाद फिर बाल उल आज धोएंगे और आज थोड़ा सा कलर भी करेंगे बहुत सारा काम <laughs> चलिए मिलते हैं और लेकर आए हैं गेहूं मम्मी जबरदस्ती ना गेहूँ भी दे दी है क्योंकि गेहूँ खत्म हो गया था और जब हम लोग कार से आ रहे थे तो हुआ कि गेहूं भी रख लेते हैं तो सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिए हैं सूट के बारे में अभी सोच रहे हैं कि सिलने के लिए दें कि नहीं दें वैसे बस रूम वोम सब साफ़ हो गया वॉशिंग मशीन का जितना धोना था सब धो के ड्रायर में डाल के इसको भी ला के और सीढ़ी पर ही रख दिए काम बहुत ज़्यादा होता है और अभी का क्या है मेरा रूटीन ना जैसे लाइन पर नहीं आ रहा है थकावट थोड़ी सी है और अभी जैसे जिया भी नहीं है अकेले हम हैं तो काम थोड़ा सा वो हो जा रहा है तो यहाँ पर हम सब कुछ लेकर और छत पर आ चुके और जैसे ही आए अपना काम स्टार्ट किए तभी ना फोन आने लगा तो पहले तो सिर्फ जीशु का था कि जीशु बाहर से फ़ोन करता है अब तो जिया का भी फ़ोन आ रहा है तो समझ लीजिए हम फोन से ही ज्यादा परेशान है तो अपना काम भी कर रहे हैं और जिया से ना फोन पे बात भी कर रहे हैं धूप में ना उतना पता नहीं चलता जैसे दिखता नहीं है तो इसीलिए मुझे बार बार अंदर जाना पड़ा था और देखना पड़ रहा था कि हाँ कैसे क्या तो इधर ये जो शैम्पू का पाउच जो बॉटल जो खाली पड़ा था उसको भी उठा के अंदर कर दिए धूप बहुत तेज़ है और जब से हम गए थे तब से लग रहा है ना पानी नहीं मिला है तो गमला एकदम सूख चुका है और पेड़ भी देखिए कैसे इधर उधर गिर चुका है और टमाटर अच्छा खासा पक चुका है यानी काफी टमाटर था और अगर एक दो दिन इसको नहीं देखते ना तो सारा टमाटर ना सड़ जाता तो चलिए उतार लेते उतार लेते हैं यानी तोड़ लेते हैं टमाटर जितना भी पक गया है और अब ज्यादा टमाटर नहीं बचा है जो भी हरा भरा है ना अभी कुछ दिन बाद और सब है कि पक जाएगा फिर भी ये छोटा सा ही था पेड़ लेकिन इसमें ना अच्छा खासा टमाटर मिल गया अभी देखिए और भी टमाटर है तो ये सारा टमाटर तोड़ के ला के रख चुके हैं यहीं टेबल पे अभी नीचे नहीं जाएंगे और सोच रहे हैं ना पानी वानी डाल दें और उसके बाद ही फिर नीचे जाएंगे और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा फिर मिलेंगे बाय बाय अल्लाह हाफिज़